गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस लेनोवो के टैबलेट की। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, आपको जरूर मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। और दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश, आप सभी का स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो ये है दोस्तों लेनोवो का टैब और इसका जो मॉडल नंबर है ये है दोस्तों लेनोवो टैब 3710i। इसकी प्राइस दोस्तों यहाँ पर मेंशन की गई है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इतनी प्राइस नहीं है इसकी। तो ये कुछ ऐसा टैबलेट है। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो इसके ऊपर जो पॉलीथीन है उसे हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसे ओपन करके देखा भी नहीं है क्या है। और अभी दोस्तों इसमें सील लगी हुई है और इसके ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको निकाल देते हैं जो ऊपर की साइड में पॉलीथीन लगी हुई है। तो पॉलीथीन को निकालना बहुत ही ईजी, यहाँ से हम कट करेंगे और ऐसे करके पॉलीथीन को तो हम लोग फाड़ ही देंगे इस तरीके से। तो इसको हमने निकाल दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बॉक्स के ऊपर जो जानकारी दी गई है इस टैबलेट के बारे में वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये है टैब 3710i और इसमें दोस्तों दी गई है 7 इंच की डिस्प्ले। तो ये दोस्तों ब्लैक कलर का टैबलेट है और लेनोवो का टैबलेट है। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है, बैक साइड में दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या मॉडल नंबर है, वो सारी डिटेल आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस टैबलेट के बॉक्स में आपको बैक साइड में टैबलेट में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट साइड में 0.3 MP का कैमरा है और बैक साइड में 2 MP का कैमरा है। बिल्ट इन GPS दोस्तों इसमें आपको GPS मिल जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ मिल जाएगी, क्वाड कोर प्रोसेसर है और दोस्तों ये एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि ये एंड्रॉयड टैबलेट है। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसकी जो सील है यहाँ पर इसे ब्रेक कर देते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों सील है तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। और यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालते हैं अपने टैबलेट को कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया है, मुझे अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी बताना ज़रूर। तो कुछ ऐसे दोस्तों बॉक्स में ये आता है और बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये रहा दोस्तों हमारा 7 इंच का टैबलेट। इसमें दोस्तों 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी कम है, आप लोगों को भी दोस्तों कम लग रही होगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा टैबलेट, जिसको कि हम रख देते हैं साइट में, यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला दोस्तों हमें चार्जर यहाँ पर मिल जाता है कुछ ऐसी पैकेजिंग के साथ। तो ये है दोस्तों इसका चार्जर और ये आउटपुट दोस्तों इसका है 5.0 वॉट 1.0 एम्पियर। तो इसको भी दोस्तों हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर और भी चीज़ें मेरे ख्याल से हैं, तो चलिए यहाँ से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों कुछ ऐसे यूज़र मैनुअल देखने को मिलते हैं, लेनोवो प्रोडक्ट पैकिंग लिस्ट, यानी कि आपको क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। लेनोवो टैब एक्सटर्नल सेफ्टी वारंटी क्विक स्टार्ट गाइड, यानी कि वारंटी कार्ड है ये। इसके बाद दोस्तों ये यूज़र मैनुअल है कैसे आप लोग चला सकते हैं इसको, मेरे ख्याल से वही है। और दोस्तों इतनी बड़ी डायरी आपको देखने को मिलेगी, आप देखिए इतनी बड़ी डायरी कौन देता है। यूज़र मैनुअल क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। आज से पहले मैंने कभी इतनी बड़ी यूज़र मैनुअल गाइड कहीं नहीं देखी है, जो कि इस टैबलेट के साथ आपको मिल जाती है। देखिए कितने पने, मेरे ख्याल से लगभग 50 या फिर कितने हैं 120 पन्ने दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, जो मेरे ख्याल से अब तक की जितनी भी मैंने अनबॉक्सिंग की है उसमें से दोस्तों ये काफ़ी बड़ी यूज़र मैनुअल है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर दोस्तों हमें मिल जाता है कि USB केबल, जिसकी मदद से हम लोग अपने टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अच्छी क्वालिटी का है और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी बढ़िया है, मुझे अच्छी लगी। तो आप लोग देख सकते हैं USB केबल हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपको इसमें ईयरफोन्स भी मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों अभी जो महंगे महंगे स्मार्टफोन आते हैं उसमें भी नहीं मिलते हैं, जो कि हमें टैबलेट के साथ मिल जाएंगे दोस्त। तो काफ़ी अच्छे ईयरफोन दोस्तों मुझे लग रहे हैं और क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट लग रही है और मिल गए हैं दोस्तों, यही बड़ी बात है इसके साथ हमें। और इसके नीचे और कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों हम लोगों को मिलती है इस टैबलेट के साथ। तो चलिए हम लोग इसको साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे मेन प्रोडक्ट यानी कि हमारे मेन टैबलेट की। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं बाहर। और ये दोस्तों काफ़ी लाइट वेट मुझे लग रहा है, 7 इंच का टैबलेट है और इस पर दोस्तों आप लोग देखिए
शायद स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, तो इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं। जब तक दोस्तों हम लोग इस पर स्क्रीन गार्ड नहीं लगा लेते हैं, तब तक दोस्तों इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें भी दोस्तों वही डिटेल दी गई जो कि बैक में दी गई थी बॉक्स में। तो दोस्तों आप लोग टैबलेट ये देख सकते हैं, इसमें आपको फ्रंट की साइड में 7 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी और ऊपर की साइड में दोस्तों स्पीकर दिया गया है माइक्रो कॉलिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। नीचे की साइड में दोस्तों इसके बारे में डिटेल दी गई है कि आपको इस टैबलेट के अंदर क्या क्या मिलेगा। फिर दोस्तों राइट की बात करें तो राइट साइड में आपको लेनोवो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों ये यहाँ पर आप लोग एक सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड को पोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। और बैक साइड में आप लोगों को यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको दोस्तों यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम जॉकर मिल जाएंगे। फिर ऊपर की साइड की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर ईयरफोन के लिए जैक मिल जाएगा और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा जो कि USB है। आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की लेकिन दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो लो है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको चार्ज में डाल देता हूँ, फिर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों टैबलेट चालू हो चुका है और इसमें जो सेटिंग है वो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ। फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि टैबलेट चालू हो चुका है, तो कुछ ऐसी स्क्रीन हमें देखने को मिलेगी। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ऐप है वो सारे यहाँ पर है और मेन ऐप्स में जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और कुछ ऐसी सेटिंग हमें देखने को मिलेगी। सेटिंग में जाके मैं आपको अबाउट सेक्शन में जाके मैं आपको इसके बारे में डिटेल दिखा देता हूँ। अबाउट टैबलेट में जाके तो आप लोग देख सकते हैं यह इसका मॉडल नंबर Tab 3710। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये सारी डिटेल हमें देखने को मिलेगी इस टैबलेट में। 1 GB रैम है और दोस्तों इंटरनल स्टोरेज 8 GB है जिसको हम माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 32 GB तक बढ़ा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा टैबलेट है। अगर दोस्तों आपको ऐसे कोई टैबलेट लेना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका जो कैमरा है उसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसका बैक कैमरा, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। चलिए मैं कोई एक फ़ोटो लेकर आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखिए दोस्तों 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन अच्छा है 2 मेगापिक्सल का कैमरा, ज़्यादा कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसमें दोस्तों 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, तो इसकी क्वालिटी दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं एक आपको फ़ोटो लेकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा भी कुछ ऐसा है इसका। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।